हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला, जो प्रत्येक सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे हम ध्वनि कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और इस ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? इस ध्वनि को हम वर्ण बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णों में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें स्वर बोला जाता है। स्वरों के तीन प्रकार होते हैं। पहला मूल स्वर, अर्थात मूल स्वर को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, मूल स्वर, स्वर ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर एग्जाम्स में ह्रस्व स्वर को कभी कभी मूल स्वर और लघु स्वर भी करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में सिर्फ एक मात्रा होती है। क्या होती है? ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती है, जिसे हमें हम लघु स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, छोटी ही, छोटी ऊ और री, ठीक है। दीर्घ स्वर में दो मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है? दो मात्रा होती है। आ, बड़ी ही, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिसमें तीन मात्राएं होती हैं, जिसमें क्या होती है? तीन मात्राएं होती हैं। और दीर्घ स्वर की अपेक्षा प्लुत स्वर में हमें बोलने के लिए ज्यादा समय लगता है। तो जैसे ओ, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों में के उच्चारण में हमें बहुत ही कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें जब ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ। जिस स्वर के उच्चारण में हमें सबसे अधिक समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमें सबसे अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। वह अयोग्वा स्वर दो होते हैं। और अयोग्वा स्वर कितने होते हैं? अयोग्वा स्वर दो होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। जैसे यहाँ स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, आ, आ, छोटी, बड़ी, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, वह अंग और अ। अनुस्वार के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तथा विसर्ग के लिए डबल बिंदी लगाई जाती है। स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है? स्वरों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। जो हमारे पहले स्वर हैं, जिसे हमें ह्रस्व स्वर, जिसे हम मूल स्वर और लघु स्वर के नाम से भी बोलते हैं, तो इनके कितने कुल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? कुल ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 7, आ, बड़ी, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर कुल 7 होते हैं। दीर्घ संधि स्वर और सजातीय स्वर अ, ई और उ होते हैं। संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर ए, ऐ, ओ, औ को कहा जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान कुछ इस प्रकार है। कंठ स्वर अ, अ, इसे बोलने, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो आवाज आता है वो कंठ से निकलता है, इसलिए भी कंठ स्वर बोलते हैं। तालव्य स्वर ई, ई। ओष्ठ स्वर उ और उ, उ को उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओर जो होते हैं वो गोलाकार की तरह हो जाते हैं, तो इसलिए इसे ओष्ठ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। मूर्ध स्वर मूर्धन्य स्वर री, मूर्धा से टकराती है। कंठ तालव्य स्वर ए, ऐ, कंठ से भी होता है, इसका उच्चारण कंठ और तालव्य को के द्वारा किया जाता है, इस वजह से ए और ए होता है। ओष्ठ कंठोष्ठ ओ, औ।
ओ और औ को बोलते वक्त हमारे कान से भी आवाज निकलती है और ओट जो ओस्ट होता है उसका उसका भी क्या होता है, उसका भी चेंज उस समय चेंज होता है। जीभ के आधार पर स्वर का स्थान किस प्रकार है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। अग्रस्वर जो जैसे ई बोलते समय जो हमारी जीभ की पहली सामने वाली जो हिस्सा होता है वो ओठ ई री ए ए। मध्य स्वर आ, मध्य स्वर कितने होते हैं, मध्य स्वर एक होते हैं और अग्र स्वर चार होते हैं। पश्च स्वर जो बोलते वक्त जीभ का पीछे का हिस्सा होता है जैसे आ उ उ औ औ। पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है, पश्च स्वर की संख्या पांच होती है। अब आते हैं हम व्यंजन में, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ये छह प्रकार के होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, वे छह प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क से म तक होते हैं और इनकी कुल संख्या 25 होती है। उच्छित व्यंजन या द्विगु व्यंजन भी इसे कहते हैं, उच्छित व्यंजन द ध जिसकी संख्या दो होती है। अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक की कुल संख्या पांच होती है, मतलब नासिक की, जिसे बोलते वक्त नाक का प्रयोग, नाक से जो आवाज निकले जैसे अंग तो ये सब नासिक अनुनासिक बोला जाता है। अंतस्थ स्वर, अंतस्थ स्वर क्या लगा, अंतस्थ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, अंतस्थ स्वर की कुल संख्या चार होती है। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, मतलब उष्म व्यंजन उसे उस व्यंजन को कहा जाता है जब बोलते समय, जब उष्म व्यंजन जब बोलते समय गर्म हवा निकले, उष्म का मतलब होता है घर, जैसे श श श ख, तो इसे उष्म व्यंजन बोला जाता है। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी हमारे चार होते हैं, अक्षर त्र और ज्ञान। वर्ण तालिका, वर्ण तालिका जिस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं, वर्ण तालिका क्या है, कावर्ग, 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 का ख ग घ, चावर्ग, च छ ज झ इय, ठीक है, च छ ज झ इय, टावर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट ठ द ध न, प ख ग घ म। तो जो वर्ण तालिका में यहाँ दिखाया गया है, अनुनासिक व्यंजन किसे हम बोल रहे हैं, अनुनासिक व्यंजन जो जो पंचम वर्ण जो आ रहा है, कावर्ग में जो पंचम वर्ण आ रहा है, और चावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, टावर्ग और कावर्ग में जो पंचम वर्ण आ रहा है उसे हम लोग अनुनासिक व्यंजन बोल रहे हैं। और कावर्ग की जो कंठ, कावर्ग की जो उच्चारण स्थान है उसे कावर्ग से कंठ व्यंजन बोला जा रहा है। तो चावर्ग से यानी तालव्य, तालव्य के स्थान चावर्ग बोला जा रहा है। टावर्ग का मूर्धन्य स्थान, टावर्ग का दंत स्थान, उच्चारण स्थान क्या होगा, तावर्ग का दंत स्थान, पावर्ग का ओष्ठ स्थान। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।